फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ए सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लांट किंगडम की एक ऐसी बेनिफिशियल रेमडी जो निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी रेमडी है। फ्रेंड्स हमने अपने प्रैक्टिस में इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं, आज उसी आधार पर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहते हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं सबसे पहले उस रेमडी का हम रिजल्ट देख लेते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को इसका सही लाभ मिल सके और निश्चित तौर पे ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम जिस रेमडी के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ही उपयोगी रेमडी है, सदियों से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है आयुर्वेद में, घरों में औषधि लाभ के साथ साथ मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, कई धार्मिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स तो आइए हम लोग इस रेमडी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस रेमडी का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका हिंदी नेम क्या है तथा कुछ क्षेत्रीय नेम क्या है। फ्रेंड्स इसके पौधे के बारे में हम जानकारी लेंगे, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, कैसे इसका प्लांटेशन होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं तथा इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या है, मेडिसिन यूजेस क्या क्या है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स उसके पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड्स बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। फ्रेंड्स व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और भी जो साधन है जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए, जिससे इसकी सही जानकारी लोगों तक हो सके और इसके सही जो मेडिसिन लाभ है उसका उपयोग कर सके। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो रेमडी है सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो रेमडी है इसका नेम है पाइपन नाइग्रम, PIPER NIGRUM, इसको इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स या इंग्लिश नेम कह सकते हैं वो है ब्लैक पीपल, इसका मदर टिंचर फार्म ही इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि मुख अर्घ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में काली मिर्च कहते हैं फ्रेंड्स, मरीच कहते हैं और कुछ जगहों में इसको पिपली, आयुर्वेद में इसको पिपली कहा जाता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो रेमडी है इसका जो उत्पादन है मुख्यतः दक्षिण भारत में होता है, इसके साथ साथ इसका इंडोनेशिया, बर्नियो, श्रीलंका आदि देशों में भी इसका इस्तेमाल या कि उत्पादन किया जाता है। इस्तेमाल तो सभी जगह किया जाता है, उत्पादन इन सभी देशों में जो हमने बताया में किया जाता है। फ्रेंड्स अब हम बताएंगे इसके जो पौधे हैं फ्रेंड्स, इसका जो प्लांट होता है उसकी क्या क्या विशेषता है। फ्रेंड्स तो जो काली मिर्च होती है या कि पपन, इसको पाइपन नाइग्रम कर सकते हैं कि ब्लैक पीपर कर सकते हैं, इसका जो पौधा होता है वो हरा भरा होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है, ये एक प्रकार का श्रब है यानी कि एक प्रकार का झाड़ है जो कि दूसरे पौधे के सहारे से या कि दूसरे वृक्ष के सहारे से या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोई भी दूसरे सपोर्टिंग सिस्टम है जो आज लगाते हैं उसके माध्यम से, स्टैंडिंग जो सिस्टम है उसके माध्यम से ये झड़ जाता है और इसका फिर उत्पादन या कि पौधे का ग्रोथ होता है। वैसे सामान्यतः इसका जो पौधा होता है फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 30 से 35 माना जाता है, ऐसा 30 से 45 मीटर के आसपास माना जाता है, लेकिन इसको 6 से लगभग 8 मीटर से ज़्यादा इसका ग्रोथ को या कि लंबाई को नहीं जाने देते, जिससे कि जो इसका फल है उसको आसानी से कलेक्ट कर सके। फ्रेंड्स इसका जो आय होता है, इसके जो पौधा है ये लगभग इसकी जो आय होती है फ्रेंड्स वो 25 से 30 वर्ष मानी जाती है, और कुछ जगहों में इसका जो उत्पादन होता है लगभग 50 से 60 वर्ष तक इसका पौधा उत्पादन देता रहता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहते हैं कि इसकी जो कलम है यानी कि इसके पौधे की कलम को तैयार किया जाता है और उसी से और फिर इसका और पौधे की जो ग्रोथ है या कि इनका जो प्लांटेशन है वो कराया जाता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो फूल आता है वो जुलाई अगस्त महीने में गहरे हरे रंग के पौधे में छोटे छोटे सफ़ेद और हल्के पीले रंग के फूल आ जाते हैं। इसका जो फल है जनवरी से मार्च के बीच में नारंगी रंग के फल पककर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स फिर फल गोल और व्यास में 3 से 6 मिलीमीटर के आसपास ही होता है फ्रेंड्स, और सामान्यतः पौधे 3 वर्ष के बाद फल देने लगते हैं। जैसा कि अपने बताया कि इसकी जो कलम है उसको लगाया जाता है वो 3 से 5 वर्ष के अंदर ही उसमें से फ्लावरिंग या कि कंडीशन जनरेट हो जाती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से उत्पादन देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो 5 साल 6 साल में पूरी तरीके से वो परिपक्व हो जाते हैं और लंबे समय तक जैसा कि अपने बताया कि 30 साल 40 साल 50 साल तक ये फल देता रहता है, यानी कि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक ये व्यापार भी अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मांग है काली मिर्च का वो बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर रासायनिक घटक यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं पाइपन नाइग्रम के अंदर। इसमें जो पाया जाता है फ्रेंड्स पिपरीन, पिपरडीन्स और कैबिसिन्स, एल्कलॉइड और बोलाइट आय यानी घुलनशील तेल इसमें पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर पाए जाने वाले जो मेडिसिनल बेनिफिट हैं वो क्या क्या है। फ्रेंड्स इसके अंदर जो मेडिसिनल बेनिफिट है ये रेमडी बहुत ही उपयोगी है कफ के लिए, कोराइजा के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हड्डी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे एफआर हो, लोपर हो, थ्रोट हो, है ना, इस जगह पे तो ये काम करता है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये फेस आई हेड
इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, स्पेशली इंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर रेमेडी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कंजेशन, गैस्ट्राइटिस आपने देखा होगा, बहुत लोगों को टकार आती रहती है, गैस बनता रहता है, ऐसे कंडीशन में आप इस रेमेडी को दे दीजिए। करीब 20 से 25 बूंद इसका मदर टिंचर आप पिला दीजिए, दिन में लगभग 2 बार दे दीजिए, आप देखेंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत उपयोगी है फ्रेंड्स, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, नाक चोक हो जाता है, आपने देखा होगा कि कंजेशन होने लगता है, नोजल कंजेशन यानी कि नोस्ट्रल कंजेशन के लिए रेमेडी बहुत अच्छा मानी जाती है। साइनस के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है फ्रेंड्स, साइनस के लिए या कि आप जिसमें से पॉलिप्स बढ़ जाता है उसके लिए अपन लेब्नामाइडन भी देते हैं, पोथास भी देते हैं, लेकिन ये रेमेडी उसके लिए बहुत ही उपयोगी यह रेमेडी मानी जाती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे, जैसा कि अपन ने बताया कि गेस्ट्रो न्यूरालजिया के ऊपर या कि जो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कई बार गैस्ट्राइटिस बनने लगती है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। ब्लोटिंग के ऊपर फ्लैटुलेंस यानी कि हवा भरना, फ्लैटस होना बहुत ज़्यादा यानी कि पेट के अंदर ब्लोटिंग में ये बहुत ही उपयोगी रेमेडी मानी जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, इनको बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, डाइजेस्टिव संबंधी जो समस्या है वो बनी रहती है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, एक अच्छा ब्लड प्योरीफायर है फ्रेंड्स। स्पीच डिफिकल्टी, बहुत सारे लोगों को क्लॉटिंग की वजह से नसों में या कि साइनस के पास या कि ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड कहीं भी आप मान सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मान सकते हैं या कि ब्रेन में मान सकते हैं, कई बार छोटा छोटा बबल्स बनते हैं, क्लॉटिंग बनते हैं, ऐसे कंडीशन के बाद पेशेंट का जो नर्वस कंट्रोल है वो वीक हो जाता है और उसको स्पीच डिफिकल्टी होती है, उसको बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर वो बोलता भी है तो उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, वो कहता कुछ और आपका कुछ और आता है, ऐसे कंडीशन के पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत ही उपयोगी है, यानी कि पाइपरनाइक्रम बहुत ही उपयोगी इसको मानी जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स, यूटेरस क्रैम्पनेस, गर्भाशय में होने वाली जो दर्द है, समस्या है, उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है फ्रेंड्स। डिसमेनोरिया है, मेनोरिया है, एमनोरिया है फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में भी इस रेमेडी के बहुत ज़्यादा उपयोग माने जाते हैं फ्रेंड्स। इसका एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स हम आपको बताना चाहते हैं, इसको नोट कर लें। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है, जब बच्चे को फीडिंग कराती हैं यानी कि डिलीवरी के बाद, उनका जो मिल्क का सेक्रेशन है वो एक्सेस हो जाता है, यानी कि उनका जो मिल्क है वो निकलता रहता है, बहता रहता है, ऐसे कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है कि उनका जो मिल्क है बहुत ज़्यादा वो बन रहा है, इसको देने के बाद उतना ही मिल्क बनेगा जितना उसके बच्चे के लिए नीड है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को कम निकलता है उसके लिए रेसिनस कम्युनिस हम लोग देते हैं, अल्फाल्फा देते हैं, वेना सटिवा देते हैं, लेकिन इनको एक्सेस बनता है उस कंडीशन के लिए पाइपरनाइक्रम, यानी कि आप देखेंगे कि ऐसे फीमेल्स को उनका जो मिल्क है, उनका जो कपड़ा रहता है वो पूरी तरीके से भीगा हुआ रहता है, उनका मिल्क निकलता रहता है, ऐसे फीमेल के लिए यह बहुत ही यूनिक रेमेडी है और हमारे जानकारी में इससे बेहतर दूसरी रेमेडी इस सिम्टम्स के लिए नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।